नौगांवा तहसील क्षेत्र के गांव खेड़का में 18 व 20 दिन से बिजली आपूर्ति न मिलने से ग्रामीण परेशान। बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। गांव के रहने वाले फहीम, फिरोज, रोहिताज, अतीक, गुलफाम, आरिफ का कहना है कि बिजली आपूर्ति न मिलने से भीषण गर्मी में पूरा गांव परेशान है। बिजली विभाग का लाइनमैन आता है और 1500 रुपए लेता है, फ्यूज जोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर वह फूट जाता है, जिसकी वजह से हम लोग काफी परेशान है, इसलिए आज प्रदर्शन किया है। क्या मामला है? जो बिजली घर पे तुम इकट्ठे हो गया, लाइट नहीं आ रहा है 18-20 दिन से। लाइट को बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें बच्चे भी परेशान है, हमारे छोटे छोटे रोड पर आ चुके हैं, अंदर सो सो के बाहर को आ चुके हैं, बहुत बड़ी हमें परेशानी हो रही लाइट की। कौन से गांव का मामला? खेड़का, ग्राम खेड़का। 18-20 दिन से वो लाइनमैन आता है, फ्यूज जोड़ कर चला जाता है, 1500 रुपए लेकर चला जाता है। भाई ये समझ लो पैसे पैसे जा रहे हैं। हमें लाइट 5-10 मिनट को मिलती है, अब उसके बाद हमें लाइट नहीं मिलती, हमें बड़ी दिक्कत है। हम लाइट बिल यहाँ बिजली घर में भी 3-4 दफा आ गया, कोई सुनवाई न हो रही। बोला हमारा 25 का रखा।